नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने कक्षा 10वीं एवं 12वीं के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। तो इस वीडियो में कैसे डाउनलोड करते हैं और एप्लीकेशन नंबर कैसा पता करते हैं, तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र में हम mpbse.nic.in टाइप करेंगे और आगे सर्च कर देंगे तो हमारे पास नया पेज ओपन होगा। फिर जब हमारे पास अगला पेज आएगा, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आगे वाले पेज पे आ जाते हैं। ये आगे वाले पेज पे विद्यार्थी स्टूडेंट लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर हम अगले वाले पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे हमको क्या करना है। तो जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे, फिर सबसे नीचे वाला जो परीक्षा आवेदन है वहाँ पर क्लिक करेंगे। सबसे लास्ट में जो है परीक्षा आवेदन, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आगे पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको डेस्कटॉप साइड पे कर लेंगे तो हमारी स्क्रीन थोड़ी सी अच्छी दिखने लग जाएगी। बट यहाँ पे परीक्षा फॉर्म की स्थिति पर हम क्लिक करेंगे। तो देखिए क्लिक करते हैं हम, तो जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे पास फिर अगले वाला पेज ओपन हो जाता है। और यहाँ पर हमको नामांकन दर्ज करना है परीक्षा फॉर्म की स्थिति पर। देखिए यहाँ से हमको परीक्षा आवेदन क्रमांक जो है उसको नोट कर लेना है, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसी से हमारा प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। इसको नोट कर लेंगे हम अच्छे तरीके से। फिर वापस से किसी भी ब्राउज़र को ओपन करके mponline mpbse टाइप करके इसको आगे सर्च करेंगे। सर्च करने पर इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पे mpbse mp online पर क्लिक करेंगे, आगे वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे मेन एग्ज़ाम एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ आवेदन ऊपर आवेदन क्रमांक डालेंगे, साथ ही कैप्चा डालेंगे, 8+1=9 डालेंगे। फिर कैप्चा डालने के बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड हो जाएगा। देखो इस प्रकार से आएगा और इसको प्रिंट निकाल के आप आराम से आपके पास रख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे।